अच्छा गुरु जी, ये अंशुल पालीवाल जी हैं, हाँ जी, इनका एक प्रश्न आया है। ये पूछती हैं कि बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, विवेक, इनमें क्या अंतर है? प्रज्ञा में और बुद्धि में तो अंतर हमारे, हम कई उसमें कह चुके हैं। बुद्धि जो है वो तो हमारी चीज़ों को जानने की शक्ति है, जिसको हम कहते हैं रीजन। रीजन से हम ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत इकट्ठा कर सकते हैं। यही ज्ञान की शक्ति जब ज़्यादा हो जाती है तो मेधा कहलाने लगती है। मेरा इंटेलिजेंस कोशेंट जो है वो 110 हुआ, लेकिन न्यूटन का 140 था। तो न्यूटन को हम मेधावी कहेंगे और मुझे ये कहेंगे कि ये बुद्धिमान है सारा। 100 से नीचे होगा तो उसको मूर्ख या जो भी कुछ कहें। तो बुद्धि जब तेज़ हो जाती है तो मेधा बन जाती है, मेधावी बन गया। मेधावी लोग वो हैं जिनका इंटेलेक्चुअल कोशेंट 140 या 150 से ऊपर होगा। बुद्धि वाले वो हैं जो 100 और 110 के करीब होंगे। लेकिन प्रज्ञा से इसका अंतर हो जाता है। ये हमने सारे वेस्टर्न फिलोसफीज को बहुत मानती है। प्रज्ञा का मतलब है विजडम, नॉलेज नहीं, विजडम। विजडम का मतलब है कि जो हमने नॉलेज एक्वायर किए है उसको लागू कैसे करना है प्रैक्टिकल फील्ड में और कहाँ लागू करना है, इसको कहते हैं विवेक। हमारे यहाँ की विवेक कहा गया, विवेक भ्रष्टानाम विनिपाता भवती शतमुखा। जिनके विवेक भ्रष्ट हो जाते हैं वो चाहे कितने ज्ञानवान हो उनका पतन हो जाता है। ज्ञान का इस्तेमाल, मेरे पास बंदूक है, बंदूक चलानी आ गई है, लेकिन मुझे ये ज्ञान नहीं किया तो मैंने उठा के बंदूक अपने भाई के मार दी छोटे के, क्योंकि विवेकहीन हुआ। और उन्होंने वो बंदूक जो है एक आतंकवादी के मारी तो कहेंगे बड़ा विवेकी है। तो विजडम में और नॉलेज में बहुत अंतर है। प्रज्ञा जो है वो अच्छे और बुरे का भेद भी करा देती है। ज्ञान को कहाँ लग फॉर द यूज ऑफ ह्यूमैनिटी हमने यूज़ करना है, ये हमें प्रज्ञा बताएगी। और ज्ञान चाहे हमारे पास कितना ही हो लेकिन हमें ये पता नहीं तो ज्ञान को कहाँ किस जगह हम यूज़ करें, इसके लिए हम भटकते रहेंगे, ज्ञान भटका भी देगा सारा का सारा। तो ज्ञान में और प्रज्ञा में तो अंतर है, लेकिन ज्ञान और मेधा में सिर्फ डिग्री का अंतर है कि जो थोड़ी डिग्री है वो ज्ञान है और जो ज़्यादा डिग्री है वो मेधावी कहलाने लगे। इसमें और कोई अंतर नहीं है। अब प्रज्ञावान लोग जो हैं उनको प्रज्ञा की बड़ी कोशिश करते हैं लोग, हम भगवान से ही मांगते हैं कि विवेक भ्रष्टानाम। जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है यानी गुड और ईविल में भेद नहीं कर पाते, वो नित्य और अनित्य में भेद नहीं कर पाते, वो लोग सत्य में और असत्य में भेद नहीं पाते, तो उनका विनिपाता, उनका पतन होता है, वो गिरते हैं, नाश होता है उनका। और एक नहीं शतमुखा, 100 तरफ से नाश होता है उनका। जी जी जी। तो गुरु जी, हमारे यहाँ पे जो विवेक की कसौटी है वो सत और असत, शाश्वत और अशाश्वत चीज़ों के अंतर को कहा गया है। जो इसको अंतर को पहचान ले वो ज्ञानी, उसका जीवन सफल है, वो प्रज्ञावादान है। तो पहली शर्त अर्जुन ने उसको, भगवान कृष्ण ने उसको प्रज्ञावादान, तू बात तो प्रज्ञावादान की तरह कर रहा है लेकिन एक्शन तेरे इस तरह के हैं। तो प्रज्ञावादान का मतलब है विवेक को मेरे अंदर है कि मैं अच्छा भी जानता हूँ बुरा भी जानता हूँ। अच्छा गुरु जी, आप ये बताएं कि जो प्रज्ञावान व्यक्ति है, क्या प्रज्ञावान होना ही काफ़ी है या उसके बाद एक और कोई स्थिति बनती है मुक्ति के लिए या फिर एक ऊंची अवस्था के लिए? ऐसा है कि प्रज्ञावान आदमी के बाद शंकराचार्य ने चार जो स्टेप रखे हैं जी, वो पहला स्टेप यही रखा है। अच्छा। नित्यानित्य सस्तु विवेक, सत्यासत्य वस्तु विवेक। अगर आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं तो पहली चीज़ आएगी आपको अंतःकरण की चतुष्टि के परिष्कार करने के लिए, कि पहली चीज़ ये आएगी आपको कि आप ये भेद करना सीखें कि कौन सी चीज़ नित्य रहने वाली है। अब एक आदमी के पास 2 लाख रुपया है, उस 2 लाख रुपए से वो माल बढ़िया खा रहा है और वो तो होटलों में जा रहा है, ये चीज़ ज़्यादा दिनों रहेगी नहीं क्योंकि लेकिन अगर वो आदमी बड़ा बढ़िया काम कर देता है, चाहे उसको रोटी भी नहीं मिली, महाराणा प्रताप की तरह काम कर देता है, तो उसकी कीर्ति नित्य हो गई। जब तक हिस्ट्री रहेगी इंडिया की तो कीर्ति निष्ठ
नित्य रहने वाली है, पैसा नित्य रहने वाला नहीं है। तो दो आदमी इसमें विवेक कर लेगा कि नित्यानित्य वस्तु विवेक, कौन सी चीज़ नित्य रहेगी और कौन सी चीज़ अनित्य है। इसी तरह से सत्य और असत्य में जो भेद कर लेगा कि ये चीज़ सत्य है और ये चीज़ असत्य है, ये प्रज्ञावादान कहलाएगा। तो ये पहला स्टेप है मोक्ष की तरफ जाने का जी गुरु। जब वो इसको आ जाएगा तब दूसरा स्टेप अपने आप आ जाएगा, इहम उत्तरार्थ भोग विराग। इस संसार में भी मैं भोग नहीं प्राप्त करना चाहता। जहाँ विवेक आया तो आदमी कहेगा कि संसार के भोग तो नश्वर हैं, और हमारे डेकार्टे और उपनिषद उनकी तरह कहेगा कि हम एक्चुअली भोग करना भी नहीं जानते। वाह, हम डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते कि मुझे रोटी में बड़ा आनंद आता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। तो डॉक्टर कहेगा अच्छा है, भूख नहीं लगती तो पैसे बचेंगे, रोटी बचेगी। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कम से कम इतनी भूख तो लगी है, मैं रोटी खा लूँ। तो कहेंगे तुम हैप्पीनेस मांगने आए हो या दुख मांगने आए हो, भूख तो दुख है। तो कहते जो भोग वाले आदमी हैं उन्हें ये भी पता नहीं है मैं कि मैं हैप्पीनेस मांग रहा हूँ, भोग मांग रहा हूँ या दुख मांगने गया हूँ। तो इनको ये भी पता नहीं होता। तो क्या होगा, इदम इस दुनिया में और उत्तरार्थ स्वर्ग में भी चूँकि आदमी इसलिए जाना चाहता है कि वहाँ बड़ी बड़ी बढ़िया चीज़ें मिलेंगी, तो उसे भोग की इच्छा नहीं होगी, मिलो या मत मिलो कोई बात नहीं। तो दूसरा स्टेप है ये तो जी गुरु। तो प्रज्ञा के बाद ये आएगा स्टेप, जिसमें प्रज्ञा है उसके अंदर ही चीज़ आ जाएगा कि भोग जो है रहने वाले नहीं हैं। और इसमें गुरु जी फिर ये भी है कि जो भी हमारे शास्त्र हैं उन सभी का ध्येय यही है कि हमारे अंदर वो प्रज्ञा, वो मेधा, वो विवेक खड़ा करना। हाँ, विवेक विवेक आ जाए, हमारा विवेक जाग जाए। जिस दिन वो जाग गया फिर वो शक्ति अपने आप से काम अपने आप आ जाएगी।